हाजीपुर लोकसभा का चुनाव अंतिम चरण में 1 जून को होना है। ऐसे में 7 मई से 14 मई तक नामांकन का कार्य चल रहा है, जिसमें आज नामांकन के अंतिम दिन लगभग आधा दर्जन से ऊपर प्रत्याशियों ने नामांकन किया। इन्हीं प्रत्याशियों में से आवाम पार्टी के मोहम्मद जिलानी भी शामिल रहे, जो पासवानदा समाज की नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने नामांकन किया और अपनी समाज की समस्या और आरक्षण को लेकर बातें कही। बताते चले कि गाजीपुर के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से अफजाल अंसारी और भारतीय जनता पार्टी से पारस नाथ राय पहले ही नामांकन कर चुके हैं और आज अंतिम दिन निर्दल प्रत्याशियों के नामांकन का क्रम रहा। नामांकन एक सीट में किया है और 14 तारीख को किया हमने। जो आपने आज नामांकन किया लोकसभा में, इसके पहले भी कोई चुनाव में लड़े हैं या पहली बार है? नहीं, पहला चुनाव है हमारा। क्या सोचा है, क्या सोच लो आपने? हम लोग अवामी पिछड़ा पार्टी बनाया इसलिए कि आज कमजोर समाज के लोगों का हक छीना जा रहा है और उनके साथ मजाक किया जा रहा है। ये आरक्षण के मुद्दे पर नीयत साफ नहीं है उन लोगों का कि आरक्षण जो है पिछड़ा जाति का, वो अपने ही लेने को प्रयास कर रहे हैं। कहीं लालू प्रसाद यादव ने मुसलमान के आरक्षण के लिए वो भैंस पर चढ़ कर राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक नहीं है। बाबा साहब की संविधान में जो आर्टिकल 340 है, यह नहीं बताते हैं कि जात धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं है, जात के नाम पे आरक्षण है। मुसलमान के नाम पे आरक्षण मांग रहे हैं, कभी कभी बदल रहे हैं। लोग मुसलमान के साथ मजाक कर रहे हैं, पसमादा मुसलमान के साथ। कोई न्याय नहीं दिला। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट 2005 में कांग्रेस की सरकार ने लगाई, 403 पन्ने में लगा, और उसमें दर्शाता है कि भारत का मुसलमान कहीं कहीं दलित ले बदतर है और भारत का मुसलमान 31% पढ़ा लिखा नहीं है। कांग्रेस में जो लीडर थे नवाब लोग, उनकी नीयत साफ नहीं है। मुसलमान के नाम पे आरक्षण मांग रहे थे और कांग्रेस ने कहा कि आरक्षण नहीं देंगे, गटर में जाओ। आज जो है कांग्रेस ने आरक्षण दिया है केरला में 4%, और भारतीय जनता पार्टी उसकी मजाक कर रही है कि एक विशेष वर्ग को आरक्षण देने जा रही है कांग्रेस। अब ये खुलकर ये नहीं बताते हैं कि संविधान आर्टिकल 340 बताएं कि कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण बनाया गया, जिसमें हर धर्म के लोग पाते हैं, मुसलमान धर्म नहीं पाता है। इस पे सारे लोग मजाक कर रहे हैं कमजोर के साथ, और सच्चर कमेटी का रिपोर्ट जो है उसको सस्ते बस्ते में डाल दिया। अवामी पिछड़ा पार्टी इसकी सड़क से लेकर संसद तक पासमादा हिंदू पासमादा मुसलमान की लड़ाई लड़ेगी, 85% की लड़ाई लड़ेगी। ऐसे में जिलानी साहब, अगर बात किया जाए, लोकसभा चुनाव आप लड़ रहे हैं और अगर जनता ने आपका साथ दे दिया तो फिर जनता के लिए आपके लिए क्या मुद्दे रहेंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल जनता साथ देगी। ये अवामी पिछड़ा पार्टी कमजोरों के लिए पार्टी है, चाहे अगले जात में कमजोर है चाहे पिछड़े जात में कमजोर हो। ये लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक कमजोर लोगों की, शोषित वंचित लोग की, आदिवासी लोग की, दलित आदिवासी लोग का लड़ाई लड़ेगा, और भारत के कमजोर तबके का मुसलमान जो आरक्षण से बाहर रखा गया है, आर्टिकल 340 लागू कराकर भारत को मुसलमानों को खुशी का लहर दौड़ाने का काम करेगा अवामी पिछड़ा पार्टी। और पूर्ण विश्वास है कि गाजीपुर की जनता और लोग अवामी पिछड़ा पार्टी के दूर दूर से फोन से मोबाइल से ट्विटर से सबसे कहेंगे कि अवामी पिछड़ा पार्टी को सबसे बड़ा पंचायत में भेजने का काम करे। इसी के साथ सभी देशवासियों को अवामी पिछड़ा पार्टी के धन्यवाद, मुबारकबाद।